वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके सामने दो 5.1 डिकोडर पड़े हुए हैं जो कि किसी भी सिस्टम में लगाने से SPDIF या कोएक्सियल या ऑप्टिकल वगैरह से 5.1 चैनल का ऑडियो डिकोड करके आपको देते हैं। ये वाला ओल्ड वर्जन है जिसके बारे में मैं रिव्यू कर चुका हूँ, और एक इसका न्यू वर्जन आया हुआ है। तो न्यू वर्जन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। अगर आप ऑडियो फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा अच्छे तरीके से कि ये डिकोडर किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन अगर आप न्यू हैं, आपको पता नहीं है टेक्निकलिटी कि किस तरीके से ये काम करता है, तो एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखा था डिकोडर वगैरह के बारे में, तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे देता हूँ, उसको आप देख सकते हैं। अगर फंक्शन वाइज देखा जाए तो दोनों एक ही आइडेंटिकल चीज़ें हैं। इनपुट कनेक्टर वगैरह भी एक ही तरह के हैं और आपके आउटपुट कनेक्टर भी एक ही तरीके के हैं। और यहाँ पर नए वाले का मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये न्यू वर्जन है। पावर सप्लाई DC 5 वोल्ट की यहाँ से दी जाती है। ये इनपुट का सिलेक्शन है, यानी कि इस पोर्ट का इनपुट आपको यूज़ करना है, इस पोर्ट का यूज़ करना है, इस पोर्ट का यूज़ करना है या ऑक्स पोर्ट का यूज़ करना है। ऑक्स पोर्ट जो इसका है उसमें आप स्टीरियो सिग्नल दे सकते हैं जो कि वर्चुअल 5.1 आपको जनरेट करेगा, जिसको कि हम प्रोलॉजिक 2 बोलते हैं। तो प्रोलॉजिक 2 दोनों ही बोर्ड्स में है, और बाकी आउटपुट आप जानते ही हैं, फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, रियर लेफ्ट, रियर राइट, सेंटर और सब बूफर। दोस्तों पहले इसका मैंने रिव्यू किया था, ये मैंने मार्केट से ख़रीदा था, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ी सी नॉइज़ है। आप थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज़ करने पर कुछ हिसिंग टाइप की ऑडियो आती है। अगर आप वॉल्यूम कम करके सुनते हैं तो ये भी काम अच्छा करता है, लेकिन ये वर्जन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। इसमें नॉइज़ वगैरह बहुत ही कम है, एक्सेप्टेबल लेवल पर है। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि नॉइज़ बिल्कुल जीरो है, लेकिन जो भी रेजिडुअल नॉइस है वो भी मुझे लगता है कि इसकी पावर सप्लाई की वजह से। अगर आप इसमें SMPS की बजाय ट्रांसफार्मर वाली पावर सप्लाई रेगुलेटेड IC से बना के यूज़ करते हैं तो मेरे ख्याल से वो नॉइज़ भी आपकी चली जाएगी। ये एक USB पावर केबल दी है जिसको आप किसी भी 5 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ के इसे यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा एक अच्छा काम इन्होंने ये किया है कि एक छोटा सा ही सही लेकिन ऑप्टिकल केबल दिया है, क्योंकि मोस्टली ऑप्टिकल केबल भी आप खरीदने जाएंगे मार्केट में तो 300-400 रुपये की मिलती है, तो एक सेविंग हो गई। छोटा सा है लेकिन काम के लिए परफेक्ट है। और इस डिकोडर के ज़्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि पहले का वीडियो आप देखेंगे ऑडियो रश वाले डिकोडर का तो उसमें सारा स्पेसिफिकेशन है, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये कि इसमें 24 बिट का डैक है और 96 KHz तक की ऑडियो 24 बिट में देता है, जो कि बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये SDCD, AC3, DTS, PCM, Dolby Digital, Dolby Prologic, इस तरह के सिग्नल्स को ये प्रोसेस करता है, और आउटपुट जो ये देता है ये एनालॉग 5.1 या 2.1 चैनल का ऑडियो आउटपुट दे सकता है। तो अगर आपके पास 5.1 या 2.1 का एम्पलीफायर है तो इन RCA सॉकेट से कनेक्ट करके आप होम थिएटर्स का मजा ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम वगैरह, तो वहाँ पर आपको 5.1 ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, लेकिन उस 5.1 ऑडियो को एंजॉय करने के लिए आपके पास 5.1 कॉम्पैक्टेबल डिकोडर होना चाहिए। बहुत सारे होम थिएटर्स में वो डिकोडर आता है, लेकिन उनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है। तो आपका एग्जिस्टिंग अगर आपका सिंपल होम थिएटर है 5.1, जिसमें आप ये कैपेबिलिटी डालना चाहते हैं 5.1 की, तो इस बॉक्स को आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन को खोल के दिखा देता हूँ, और दोनों के बोर्ड्स में क्या चेंज है ये हम देखेंगे। तो बहुत सिंपल है इसको खोलना, सिर्फ 2 स्क्रू हैं बैक साइड वाले, खोल लीजिए। फ्रंट वाले स्क्रू खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बोर्ड ऐसे ही लगा होता है। तो इसको बस यहाँ से निकालिए और इसको प्रेस कर दीजिए, तो ये मेरा ओल्ड वर्जन वाला बोर्ड आ गया। देखिए न्यू वर्जन का बोर्ड हमारा आ गया, और दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस तो देखिए, इसमें IC छोटी सी डिकोडर वाली लगी हुई है, लेकिन इसमें काफ़ी बड़ी IC लगी हुई है। ये अलग बात है कि दोनों IC पे मार्किंग नहीं है, मार्किंग को डिलीट कर दिया गया है, लेकिन गूगल सर्च वगैरह के थ्रू अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि न्यू वर्जन में सन प्लस की डिकोडर IC यूज़ की गई है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और यही सब रीज़न है कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। इसके अलावा पावर सप्लाई सेक्शन में भी चेंज है, यहाँ पर 2 स्विच मोड पावर सप्लाईज यूज़ की गई हैं, और इसमें तो सिर्फ एक था। यहाँ पर इसमें कुछ मैंने मॉडिफाई भी कर रखा है, और एक मेजर फ़र्क ये भी है कि इसमें कोई SD रैम, कोई रैम जो है इस प्रोसेसर को अलग से सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इसमें इनबिल्ट है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर क्लियरली आप देख रहे हैं कि रैम एक अलग से लगी हुई है। तो इस नए वर्जन की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। तो इन बोर्ड में ये विजिबल फ़र्क है। और प्राइसिंग के बारे में मैं बता दूं तो प्राइसिंग का लिंक मैं दे दूंगा, मैंने तो ये इंक ओशन से लिया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये वर्जन मैंने टेस्ट किया हुआ है, इसकी ऑडियो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है,
और एक नॉइस का क्लोज सैंपल बिल्कुल पास से माइक्रोफोन ले जाके स्पीकर के मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि पुराने वाले बोर्ड में कितनी नॉइस थी और नए वाले बोर्ड में कितनी नॉइस है। अब आइए इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि इसका ऑडियो आउटपुट किस तरीके से आता है और हर चैनल से आता है या नहीं आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूं, अगर आप 1.5-2 साल पहले का प्राइस कंपेयर करेंगे तो इन सब चीज़ों की प्राइस काफ़ी कम हुआ करती थी, लेकिन आपको पता ही होगा कि ग्लोबल लेवल पर चिप की शॉर्टेज चल रही है, इसलिए सारे सेमीकंडक्टर वाले आइटम्स के प्राइस बढ़ चुके हैं। तो प्राइस पे तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको जहाँ से भी अच्छा मिल रहा है वहाँ से ले लीजिए। अगर पॉसिबल है तो देख के लीजिए कि कौन सा वाला बोर्ड आपको मिल रहा है, क्योंकि आप शॉप में लेते हैं तो आपको ऑप्शन तो नहीं मिलता है कि आपको खोल के कोई दिखाएगा। इसीलिए मैंने आपको इंकोशन का लिंक नीचे दिया है, क्योंकि वहाँ से जो भी डिकोडर मिलेगा ये वाला ही डिकोडर आपको मिलेगा, बाकी आप फ्री हैं कहीं से भी लेने के लिए। आइए अब देखते हैं इसका ऑडियो सैंपल और इसका नॉइज लेवल। यहाँ डिकोडर का सेटअप मैं कर रहा हूँ, ये मेरे एम्पलीफायर का लेफ्ट और राइट इनपुट है, इसको मैं बारी बारी से आपको चेक करके दिखाऊंगा कि आउटपुट मिलती है या नहीं। और ये कोएक्सियल आउटपुट है जो कि मेरे टीवी से आ रहा है, और टीवी में आपको ऑडियो आउटपुट SPDIF सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट लेफ्ट और फ्रंट राइट में लगा देता हूँ, देखिए ये मैंने लगा दिया, और कोएक्सियल इनपुट यहाँ से ये मैंने दे दिया। अब मैं पावर सप्लाई लगाता हूँ और ये रहा रिमोट, तो आप देख रहे हैं कि ऑडियो आ रहा है। और इस डिकोडर में आप 80% तक वॉल्यूम आगे करके सुन सकते हैं, कोई नॉइज नहीं आएगा। 80% से ज्यादा करेंगे तो थोड़ा सा नॉइज आएगा, लेकिन वो एक्सेप्टेबल लेवल पर है। बगल में एम्पलीफायर से मैं चला रहा हूं, अभी मैं आपको फ्रंट रियर वगैरह दिखाता हूं। तो लेफ्ट राइट आपने देख लिया, और रियर के देखिए, आप देख रहे हैं रियर से भी ऑडियो आ रही है। सेंटर का मैं दिखाता हूं, सब बुफर का पहले अलग से देखते हैं फिर साथ में देखेंगे। देखिए सब बुफर का आ गया, प्लस सेंटर ऐड करता हूं, यहां से इनपुट सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस इनपुट पे आ गया, सेकेंड इनपुट, थर्ड इनपुट, और फोर्थ पर हमारा कोएक्सियल है तो यहां पे काम करेगा। यहां पर आप 3.0 और ये 2.1, यहां से आप 2.1 5.1 सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये 5.1 है, ये 2.1 है, 2.1 में ऑडियो इंक्रीज हो जाती है क्योंकि फ्रंट चैनल्स पे ज्यादा वॉल्यूम आता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा डिकोडर काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और आइए मैं आपको इसका नॉइज लेवल का टेस्ट दिखा देता हूँ। ईयरफोन में आप सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि नॉइज किस तरीके की है इसमें या नहीं है। और पुराने बोर्ड से कंपैरिजन भी मैं दिखा देता हूँ। ओल्ड वाले 5.1 का नॉइज लेवल है स्पीकर के बिल्कुल पास, ऑडियो तेज करने पर, फुल करने पर। अगर मैं हाफ कर दूं तो कोई ज्यादा नहीं है, फुल पे ज्यादा है। ये न्यू वाला साउंड कार्ड है, इसमें कोई नॉइज नहीं है,
लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं एम्पलीफायर फुल वॉल्यूम करता हूं तो 100% एम्पलीफायर वॉल्यूम पे 90 80 80 पे बिल्कुल कम हो जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको लेना है प्रोडक्ट तो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए ओके एंड बाय।